आशा शर्मा मैम, यू लुकिंग वेरी प्रीटी इन दिस कलरफुल अवतार. सो क्या प्लानिंग रहेगी इस बार होली की? हर टाइम हमने देखा आपकी बहुत ही अच्छी होली सेलिब्रेशन रहती है, इस बार का क्या प्लान है? बस यही प्लान है कि अच्छी रहे कुछ. इस बार भी हर होली की तरह, हर साल की तरह हम सारे दोस्त इकट्ठा होंगे और विल पार्टी हॉप, जहाँ भी हमारा मन लग जाएगा वहाँ रुक जाएंगे. एंड देन बेसिकली द होल आइडिया इज टू बी टुगेदर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, दैट्स इट, एंड हैव लॉट्स ऑफ फूड, दैट्स माय आइडिया. फूड की बात की जाए तो होली में गुजिया बनती है, गुजिया बहुत ही फेमस होती है होली में. सो आप भी ट्राई किया है कभी अपने? नहीं यार, मैं तो नहीं खाया कभी. मैं तो खाली गोलगप्पे पे अटक जाती हूँ. आई थिंक मेरा वो जो स्टॉल होता है ना, गोलगप्पे, रगड़ा पैटिस और क्या दही पूरी पानी पूरी, बस वहीं हो जाता है मेरा काम. दही पूरी पानी पूरी की तो बात चल रही है. आपने वर्ल्ड फेमस जो होती है होली की एक बात वो होती है भांग. आपने भांग ट्राई किया कभी? यू नो, सो आई एम नॉट टू मच इनटू अल्कोहल. भांग पीकर बड़े लोगों को मैंने बहुत कुछ करते हुए देखा है, तो मुझे थोड़ा डर लगता है उसको ट्राई करने में. आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी ट्राई किए, बट मे बी वंस, बट लाइक टू सिप्स, नॉट मच. तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ उसमें. आई थिंक आई वाज एब्सोल्युटली फाइन. या बट आई हैव नेवर सॉर्ट ऑफ, नॉट टिल नाउ, आई शुड नेवर से नेवर, अब तक तो नहीं ट्राई किए उस तरह से कि कुछ हो मेरे साथ. ओके, होली में कहावत है कि जो पुरानी जो दुश्मनी होती है उसको भुलाकर एक नई शुरुआत की जाती है कलर लगा के. सो आपको ऐसा कोई जिंदगी में या कुछ शुरुआत करनी हो, पिछली कुछ भुलाकर एक न्यू शुरुआत? यार मेरे डिप्रेशन बाइपोलर ने वैसे ही मुझे सब भुला दिया है, तो कुछ याद नहीं है. अगर कोई बड़ा दुश्मन सामने भी आ जाएगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा. नो, और जोक्स असाइड, ये तो अच्छी बात है यार कि रंग लगा के दुश्मनी ख़त्म कर लेनी चाहिए, बट कोई दुश्मन नहीं है मेरा. लकीली टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आई टिल नाउ कोई दुश्मन मैंने बनाया नहीं है, तो हाँ. ओके मैम, होली की एक चीज़ जो बहुत आपको अच्छी लगती है? होली का सही मायना मुझे अब समझ में आया है कि इतने सालों पहले जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे लगता था बड़ा ही गंदा त्यौहार है, इतने लोग गंदे हो जाते हैं, एक दूसरे को गंदा करते हैं, वो रंग जाता नहीं है, और क्यों ऐसा करते हैं, क्या करते हैं. किताबों में पढ़ा था कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्योंकि होलिका का वध हुआ था उस दिन और अच्छाई की बुराई पे जीत हुई थी. पर उससे गहरा मतलब मुझे हमेशा लगता था कि पर रंग क्यों लगाए जाते हैं सब पे, उसका क्या कारण है, क्या उसका मेन रीज़न होगा. तो वो मुझे अब समझ आया कि होली का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जब सभी एक रंग में रंग जाते हैं. यू नो, आपको कोई पहचान में नहीं आता, ना शक्ल दिखती है, ना जात दिखती है, ना मज़हब दिखता है, ना ऊंच नीच स्तर कुछ दिखता है, सब एक जैसे हो जाते हैं. एंड आई थिंक ये जो सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी का एक लेसन हमें सिखाती है होली, ये मुझे अब समझ आया. और इसने होली के मायने मुझे मेरी ज़िंदगी में और भी बढ़ा दिए. आई थिंक इसलिए रंगों का इस्तेमाल किया गया, बिकॉज हम इंसान ना बहुत ही जल्दी भेदभाव करने लग जाते हैं, बड़ा ईगो होता है, तुम ये हो, हम ये हैं, ये है, वो है. जब सब एक रंग में रंग जाते हैं ना, और सब एक ही जगह होते हैं, तो फिर क्या ईगो, फिर कोई है ही नहीं, शक्ल ही नहीं समझ आ रही, तो ईगो क्या क्या करोगे. सो आई थिंक दैट वाज द मेन रीज़न कि किसी ने ये कलर्स के बारे में सोचा. एंड रंग तो ऑब्वियसली खूबसूरत तो होते ही हैं, पर आपने कभी नोटिस किया है सब रंग जब एक साथ लग जाते हैं तो सब एक ही रंग के हो जाते हैं, उसमें कोई कलर का भेदभाव भी नहीं रहता. इतनी बड़ी ब्यूटीफुल बात है होली की. सो हाँ, ये मेरी सबसे फेवरेट बात है. ओके शमा मैम, आपको हमेशा अप्रिशिएट किया गया है वेदर एक्टिंग और एज अ ह्यूमन बीइंग, और हमेशा आप सोशल कॉज को बहुत सपोर्ट करते हैं. होली में हमने ये देखा है कि एनिमल्स को आप बहुत लव करते हैं जी, और हमने होली में देखा है कि जो जानवर होते हैं उस पर कलर लगा दिया जाता है, जान के पक्के कलर लगा दिया जाते हैं, तो आपका क्या ठीक है, आपके आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग टू डू. आई मीन वो बेचारा जानवर जो कुछ बोल नहीं सकता है, जो तुमसे वापस लड़ नहीं सकता है, उस पर आई थिंक इट्स वेरी सेडिस्टिक एंड इट्स नॉट राइट, इट्स एब्सोल्युटली नॉट राइट. आई एम टोटली अगेंस्ट इट. कभी मैं तो कहूँगी किसी को भी ऐसा किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली जानवरों के साथ, बिकॉज एक तो वो इतने नाइव होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, और हमें यू नो, यहाँ अगेन इट्स अबाउट ईगो. ह्यूमन बींग्स थिंक कि हमारा ही है ये पूरा प्लानट, हम ही इसको ओन करते हैं, बाकी क्या है, बाकी तो सब ऐसे ही है. बट नो, एवरीबडी हैज़ इक्वल राइट एज अस ह्यूमन बींग्स हैव टू लिव हियर, टू सर्वाइव हियर, टू लिव द वे वी वॉन्ट टू. सो
हम अपना पावर उन पे दिखाकर अगर कुछ जताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ये जताता है कि हम कितने इनसिक्योर हैं और हम कितने डिसरिस्पेक्टफुल हैं हमारे एनवायरनमेंट को लेकर या एक दूसरे स्पीशीज़ को लेकर, और हम कितने नॉन केयरिंग हैं कि हम किसी बेजुबान की के दिल की बात नहीं समझ पाते या उसके ऊपर अपना जोर चलाने की कोशिश करते हैं. सो आई एम टोटली अगेंस्ट इट. प्लीज़ डू नॉट एवर डू दैट. ओके शमा मैम, आपको बहुत सारा प्यार मिला, दिल के सुन में बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है सारे एपिसोड को. सो व्हाट्स नेक्स्ट, सेकंड सीजन कब आ रहा है, और उसके अलावा कोई अगर कुछ शेयर करना चाहे? पीपल आर डाइंग टू वेटिंग. आई नो आई एम डाइंग माई सेल्फ. आई हैव बीन गोइंग थ्रू सो मेनी स्क्रिप्ट, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हो जाती हैं, और जब वो होने का मोमेंट आएगा तब वो हो ही जाएगा. बिकॉज एक सुर अलग है अब दिल की सुन का. हमने कोई उसमें बहुत टेक्निकलिटीज़ नहीं रखी है. जितना ऑनेस्ट, जितना रॉ बना सकते थे हम, उतना हमने बनाने की कोशिश की है. सो आई थिंक वो सब एक साथ फिर से आना थोड़ा वक्त लग रहा है, बट ज़रूर वापस आएगा. और मैं तैयारी में ही बैठी हूँ. वी आर ऑन अ प्री प्रोडक्शन स्टेज राइट नाउ, गोइंग थ्रू लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. दूसरी ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स आ रही है मेरे पास आजकल. यू नो आज हमेशा से ही लोग मेरे पास ऐसी स्क्रिप्ट्स लेके आते हैं जो उन्हें लगता है कि सिर्फ मैं कर सकती हूँ, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट दे फील आई एम केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दैट. सो लकीली आई एम गेटिंग ऑल द स्क्रिप्ट्स नाउ जिसमें कोई ना कोई तरह का सोशल मैसेज है. आई जस्ट रेड दिस ब्यूटिफुल शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट एंड आई विल बी डूइंग दैट. आई थिंक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट स्क्रिप्ट आई हैव एवर रेड, एंड आई कांट वेट टू शूट फॉर इट. It is going to be one beautiful hell of a shot. Okay, Shabab, last questions. Color के एक अलग ही मायने रहते हैं हमारे जिंदगी में. देखा जाए तो अभी भी आपके बाजू में एक कलर पड़ा है, बहुत सारे कलर्स. आपकी जिंदगी में कलर के क्या मायने हैं और आपका फेवरेट कलर कौन सा? मेरे लिए कलर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली. मुझे लगता है कि रंग ना हमें बड़ी खुशी देते हैं, खुशी भी देते हैं, गम भी देते हैं. जिस तरह का आप रंग देखेंगे उसका एक अपना असर है आपके दिमाग पर. तो इसलिए कहते हैं कि यू नो जब इंसान दुखी होता है तो उसे नीला कलर दिखाई देता है, जब वो खुश होता है, प्रेम में होता है तो उसे लाल कलर में रंगा जाता है, जब वो ब्राइट होता है, पॉजिटिव होता है तो उस पर येलो कलर लगाते हैं, यू नो जब आप थोड़े नेचर की तरफ जाते हैं तो उस पर ग्रीन कलर लगाते हैं. सो आई थिंक इट डिपिक्ट्स आवर स्टेट ऑफ माइंड ऑलवेज. मेरा मोस्ट फेवरेट कलर लाल है शुरू से ही. पता नहीं, इट अट्रैक्ट्स मी सो मच. जहाँ लाल दिखता है बस मैं खींची चली जाती हूँ. तो मुझे रंगों से बहुत क्या बोलते हैं, खिंचाव होता है. मुझे सब्ज़ी ख़रीदने का बहुत शौक है बिकॉज वो रंगीन होती हैं. तो वो देखकर ना वो बुलाता है मुझे कि आओ मुझे ख़रीदो. सो या कलर बहुत मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में. आप सोचिए अगर हम सब चीज़ सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में देखते तो कैसा लगता, बेरंग हो जाती ज़िंदगी. सो या ओके लास्टली मैम, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? होली आ रही है, एक अपने अवतार में एक होली विश. मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देती हूं, और ये आशा करती हूं, उम्मीद करती हूं कि आपकी ज़िंदगी का ये दिन बहुत ही हसीन गुजरे, बहुत ही ब्यूटीफुल गुजरे, और साथ ही साथ आप ये जो होली में एक रंग में रंग जाने की जो फीलिंग है वो होली के बाद भी अपने साथ कैरी करें. बिकॉज आज हमारी कंट्री में, इस दुनिया में बहुत ज़रूरत है ये इस फीलिंग को हमारे अंदर रखने की. बिकॉज क्या कुछ नहीं हो रहा है दुनिया में, और बात बात पर इंसानों को अलग अलग बांटने की कोशिश की जा रही है. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरीबडी दैट वी आर ह्यूमन्स एंड दैट इज़ आवर रिलीजन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अस, नथिंग एल्स. कोई ज़ात पात नहीं, कोई ऊँच नीच नहीं, कोई कलर रंग भेदभाव, ये सब बेकार की बातें हैं, पुरानी बातें हैं. मूव ऑन, अंडरस्टैंड लाइफ एंड जस्ट वो एक रंग में रंगी रहिए. हमें कोई नहीं तोड़ सकता, हमारा कोई बाल भी वाकर नहीं कर सकता. सो हैव अ ग्रेट होली एंड जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल टूवर्ड्स एनिमल्स प्लीज. थैंक यू मैम. थैंक यू. ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग. थैंक यू.